न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां मऊगंज विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को हनमना की जनता ने करारी शिकस्त दी। दो वार्डो में यहाँ पर भाजपा सिमट कर रह गई। कांग्रेस 8 वार्डों में जीत दर्ज कराते हुए नगर परिषद हनमना में कब्जा कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि हनमना और मऊगंज नगर परिषदों के चुनाव की घोषणा होते ही विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा अपने चहेतों को टिकट देकर भाजपा में रहकर भाजपा के पैरेलल टीम तैयार करने के अपने मंसूबों के चलते जिस प्रकार से टिकट का वितरण किया गया था, उसके चलते हनमना नगर परिषद में भाजपा का सूपड़ा लगभग साफ हो गया है। मऊगंज में भी कांग्रेस भले ही हार गई है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ना भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। हनमना में महज 2 सीट भाजपा तथा 8 सीट कांग्रेस और 5 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। वार्ड क्रमांक 1 में सैफुद्दीन उर्फ पप्पू खान कांग्रेस, वार्ड 2 से श्यामजी मिश्रा निर्दलीय, वार्ड 3 से चंद्र काली कोल कांग्रेस, वार्ड 4 में रमेश जायसवाल कांग्रेस, वार्ड 5 की बात करें तो वहां कांग्रेस के भाईलाल कोल, वार्ड 6 में सीताराम साकेत जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो वार्ड 7 में उर्मिला कौल भाजपा प्रत्याशी, वार्ड 8 की बात करें तो सोनू उर्फ आशुतोष गुप्ता, वार्ड 9 में निर्दलीय अखिलेश गुप्ता, वार्ड 10 में नवनीता गुप्ता जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वार्ड 11 में शरद गुप्ता कांग्रेस से, वार्ड 12 में रानी मिश्रा कांग्रेस, 13 में शकुंतला सेन कांग्रेस, 14 में बबली कोल निर्दलीय प्रत्याशी, तो वहीं वार्ड 15 में फूलकली कोल भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आदरणीय अखिलेश जी, आप वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद पद पे निर्वाचित हुए हैं, अपने निर्वाचन पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं नगर पंचायत के सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और इस नगर के विकास में जो उपयुक्त व्यक्ति को वो समझे, यहाँ का दुख दर्द, यहाँ की जो समस्या अभी तक नहीं हो पा, समस्या बनी रही, यहाँ का विकास रुका रहा, पिछले 7 साल से हम और हमारे यहाँ की जनता बहुत ही ग्लान महसूस करती थी, और आज इस नगर पंचायत के पार्षद, हमारे जितने भी पार्षद आए हैं बहुत अच्छे पार्षद हैं, वो अपना व्यक्ति को चुनना वो समझते हैं कि किसको हम इस नगर पंचायत में चुन के यहाँ के विकास के बारे में कौन काम कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, और उनको अपना उपयुक्त समर्थन देंगे। का रजनी सुख राजू, पिता सीताराम। कौन वार्ड से जीते हैं आप? वार्ड नंबर 6 से। कितने वोट से? 1 वोट से। मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतदाताओं के लिए सूचना देना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, एनी टाइम हम 5 साल के लिए उन्हीं के लिए बने हैं। नगर की सरकार में आपका क्या क्या महत्व उद्देश्य रहेगा विकास के? विकास सर, जनता का जो काम होगा, जैसे छोटा मोटा काम, जैसे नाली की समस्या, पानी की समस्या, ये अगर हमारे बस में रहेगी तो हम कराएंगे। एक वोट जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हो गया सर, एक वोट तो छात छात हमारी माँ दुर्गा खड़ी हो गई है वोट लेके। मैं नगर के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पुनः हनुमान जी की नगरी में जो उनके चरणों के आशीर्वाद से जो न्याय हुआ, अच्छा न्याय हुआ, और 8 नंबर 4 उनके जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। क्या आप अध्यक्ष की दौड़ में आप भी हैं? ना ना ना, मैं अध्यक्ष की दौड़ में नहीं हूँ, और मैं अब पार्षद बनते 4 नंबर की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की नगरी में हम सभी कांग्रेस साथी बड़े संघर्ष और बड़े प्रयासों से, हमारे जो साथी भाई सभी लोग हैं, बड़े भैया लोग भी हैं, निर्वाचित हुए, जिसमें हनुमाना के हनुमान जी क्षणों में मैं वंदन करता हूं, और हमारे साथी जो हमारे साथ चले वार्ड नंबर 8 में सुमित भैया, छुट्टू भैया, हमारे बीच आज हमारा मित्र नहीं है उमेश गुप्ता, और सभी जनता जनार्दन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से मैं जीता और मेरे सभी बड़े अग्रज जो बड़े संघर्ष से जीते हैं। सोनू जी, आप अध्यक्ष पद के दौड़ में हैं, यह निर्णय हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के सुखेंद्र सिंह पन्ना जी, जो विधायक पूर्व हैं, यह उनका निर्णय होगा। अगर वो मुझे रेस में मानते होंगे तो मैं रेस में रहूँगा। नगर के आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? हमारे नगर का विकास ही हमारा विकास है, हम सभी पार्षद गणों का विकास है, और हमारे हनुमान नगर का विकास होने के उपरांत हम लोग उसको अपना विकास